हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। अभी हम दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हैं। यदि आप भी पहली बार दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं या आने की सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब भी आप दिल्ली पहली बार आते हैं या दिल्ली के किसी भी रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो आपके मन में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है और मेट्रो स्टेशन पर जाने वाला रास्ता कौन सा है। आज हम इस वीडियो में दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन पर कैसे पहुंचा जा सकता है इस बारे में जानेंगे। हम आपको इस वीडियो में सब स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और बताएंगे कि आप कैसे आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता देखना होगा कि आप बाहर कहाँ से जा सकते हैं। यदि आप प्लेटफॉर्म 3, 5, 4, 7 किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से उतरते हैं तो आप अंडरग्राउंड वे से भी रेलवे स्टेशन से बाहर जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि आप मेट्रो स्टेशन पर कैसे जा सकते हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के 2 एग्जिट गेट है, आप किसी भी गेट से बाहर जा सकते हैं। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अक्सर टिकटों को चेक किया जाता है। रेलवे स्टेशन पर जो TT होते हैं ये हर पैसेंजर की टिकटों को चेक करते हैं, इसलिए आपको अपना टिकट संभाल कर रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ सामने ही पैसेंजरों की टिकटों की चेकिंग भी की जा रही है और यहाँ TT द्वारा एक लड़की को भी रोका गया है, शायद इसके पास टिकट नहीं था, इसलिए टिकट का होना बहुत ज़रूरी है। और इस रास्ते से ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं इस रास्ते से आपको भी इस रेलवे स्टेशन से बाहर चले जाना है। रेलवे स्टेशन से बाहर आने पर रेलवे स्टेशन के राइट साइड में ही आपको मेट्रो स्टेशन दिखाई देगा। और इस रेलवे स्टेशन का ये बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ से अब हमें जाना है मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ से हमें सीधे चलते जाना है और सामने ही मेट्रो स्टेशन पर जाने के लिए यह पुल वाला रास्ता आपको दिखाई देगा। हमें इसी पुल से मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लोग मेट्रो स्टेशन से इस पुल से ही नीचे उतर रहे हैं और रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं। इस रास्ते से ही हमें मेट्रो स्टेशन पर के अंदर जाना है। अब आप ऊपर से ये व्यू देख सकते हैं, वो उस तरफ रेलवे स्टेशन है और ये इस तरफ सामने ही मेट्रो स्टेशन है और इस मेट्रो स्टेशन का नाम है आनंद विहार ISBT मेट्रो स्टेशन। आनंद विहार रेलवे स्टेशन का यही एक नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है और ये आगे ही मेट्रो स्टेशन का एंट्री गेट है। जैसे ही मेट्रो स्टेशन के अंदर जाते हैं तो सामने ही टिकट काउंटर दिखाई देंगे, यहाँ से आप मेट्रो के लिए टिकट ले सकते हैं। टिकट लेने के बाद हमें जाना प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एंट्री गेट के पास से ही प्लेटफॉर्म पर जाने का रास्ता है। आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के 2 रूट चलते हैं, ब्लू लाइन और पिंक लाइन। ब्लू लाइन दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा के वैसौली तक चलती है। आनंद विहार ब्लू लाइन पर दिल्ली का आखिरी मेट्रो स्टेशन है। आनंद विहार से आगे नोएडा शुरू हो जाता है। नोएडा की ओर जाने के लिए आपको वैशाली की ओर जाने वाली मेट्रो में जाना होगा। और मेक पर चलती है। यदि आप दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं तो आपको द्वारका सेक्टर 21 की ओर चलने वाली मेट्रो में जाना है जो प्लेटफॉर्म 2 पर आपको मिल जाएगी।
ब्लू लाइन के प्लेटफॉर्म 2 से आप गुमना बैंक, सुप्रीम कोर्ट, कनेक्ट प्लेस, राजीव चौक, करोल बाग, द्वितीय गेट, राजौरी गार्डन, तिलक नगर और द्वारका की ओर जा सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने जाना कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन पर कैसे जाए। हम इस यूट्यूब चैनल पर ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं और आपको अलग अलग प्लेसों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। यदि आप भी अलग अलग स्थानों पर जाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।